नमस्कार, बीएन भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं सुरूर। पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्र छात्राएं अब विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ मिलकर न केवल शोध करेंगे बल्कि शोध को एक नई गति और दिशा भी प्रदान करेंगे। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक ओर जहां खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है, वहीं भाजपा प्रत्याशी ने भी पूरी ताकत झोंकी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान सीआरपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बल की कथित गोलीबारी के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना कूच बिहार जिला स्थित सीताकुलची विधानसभा अंतर्गत मध्याभंगा ब्लॉक के जोरपट्टी इलाके में हुआ। अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना का जानलेवा रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम में 10 इंजीनियर व कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमडी अविनाश कुमार ने कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की है कि अपने परिवार, कार्यालय और समाज की सुरक्षा का ध्यान रखें। गिरिडीह जिले के बगुदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर शनिवार को 20 माइल के पास एक सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई मौत और एक घायल भी हुए। मृतकों में पति पत्नी सहित 4 लोग शामिल हैं। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके पास से लेवी के रूप में वसूली गई 1,90,000 राशि भी जब्त की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बीएनएन भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।